कैसी है? बिल्कुल ठीक है, पक्की बात है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? सब लोग ठीक ठाक है। अभी हम लोग अपनी जिम वगैरह लगा रहे हैं। अब हमें जब भी जल्दी टाइम जिस टाइम भी मिलता है ना, हम लोग अपनी जिम लगा के ना पहले फ्री हो जाते हैं। बस ये किया हो कि हमने अपना नाश्ता या खाना वगैरह कोई चीज पहले जरूर खाई हो। सर यहाँ पे अपना कुछ स्टिचिंग वाला सामान भी खोला हुआ था, मुझे तो था कि अभी बैठ के स्टिचिंग कर रही है, इसने कहा उठना, लेकिन मैंने यहाँ पे जिम लगानी शुरू की है। साथ ही कहती है मैंने भी जिम लगानी है, मुझे था कि आज इसका प्लान कोई नहीं है। बरल अभी एक एक सेट मैंने लगा लिया, अभी अक्सा लगा रही है। एक बार अक्सा ने बैक वाले रॉड जो है वो लगा ली, अब अक्सा फ्रंट वाला रॉड लगा रही है। किसके लिए लगा रही है? चेस्ट के लिए थोड़ी लगा रही, बैक के लिए लगा रही है। वेट कम कर लेकर ज्यादा लग रहा था। मैं कहता हूँ अगर बंदा जिम कर रहा है तो बंदे को पता होना चाहिए मैं किस चीज के लिए कौन सा सेट लगा। कोई पता नहीं, बस जो बता दिया बस शुरू में लगाने लगी हुई है कि बस ठीक है लग रही है जिम। जिम वगैरह लगा के अपना काम कंप्लीट करके हम लोग आ गए रूम से बाहर, और अब मुझे जो है ना बड़ी ही एकदम शदीद किस्म की भूख लगने लग पड़ी है। लेकिन अक्सा भी कर रही है यहाँ पे बर्तन वगैरह वॉश। खाने में क्या चलेगा, क्या चलेगा खाने में आज? आज आप बनाएंगे। आज शिमला मिर्च और आलू हमारे पास घर में अवेलेबल पड़े हैं, क्योंकि मैं कल ही ले आया हुआ था साथ। अभी आलू भी छीलने हैं, शिमला मिर्च भी। आप बनाएंगे ना? मैं नहीं बनाता आलू शिमला। ओ भाई चिकन कढ़ाई होती तो बना देनी, आलू शिमला मिर्च समझे बाहर या होता है ना भरता वो बना देना। चलो ठीक है मैं निकालो, तो हेल्प ही करवानी है साथ, कोई नहीं मसला। अगर ये वाला काम है तो चलो आज मुझे आलू शिमला मिर्च भी बनानी आ जाएगी। ये तो बस हमारा एमी शुगर चल रहा है, मैं भी अक्सा के साथ हेल्प करवाता हूँ, ये चीजें वगैरह निकालते हैं और बनानी शुरू करते हैं। अक्सा ये शिमला मिर्च भी वॉश कर ले और आलू भी आ गए। अभी अक्सा और मैं मिलके जो है ना शिमला मिर्च काट रहे हैं, अक्सा मुझे दो पीस करके दे रही है। नहीं मैं ना बीज निकाल के दे रही हूँ। अली कहते नहीं ये भी ना निकाल के दे, मैंने कहा ये निकाल देती हूँ अगर आपने मुझे ये काटने नहीं देनी तो। मैं से सारा काम मैं ही करना चाह रहा हूँ। अभी मैंने प्लेट रख लिया, प्लेट के अंदर रख के मैं बारीक बारीक बिल्कुल शिमला मिर्च काट देना, मोटी तो नहीं काट रही। नहीं बिल्कुल ठीक काट रहे हैं। और मुझे कहते हैं आप आलू काट ले, मैं शिमला मिर्च काट देता हूँ। मैं काट रहा हूँ शिमला मिर्च, दोनों लगे हुए हैं मिलकर, जल्दी जल्दी हमारा खाना रेडी हो जाएगा। मुझे कहते हैं मैं बीज भी खाता हूँ, इसके बाद ना मैं आपको वो भी करके दूंगा। क्या पूछे क्या? आलू भी, आलू तो मैंने दो मिनट लगने कोई नहीं, मैं मुझे भी साथ लगा रहा, दो मिनट जितने लगने उधर एक मिनट लग जाएगा। बारीक काट के खाते हैं या फिर दूसरे वाले? जो मर्जी। शिमला मिर्च भी और आलू भी उल्टा हो गया है, शिमला मिर्च भी और आलू भी बिल्कुल दोनों रेडी हो गए, बस कटिंग करने वाले आलू रह गए। अक्सा यहाँ से चूल्हा वगैरह क्लियर कर रही है, वॉश कर रही है। हो गया मैंने बेगम अक्सा ने यहाँ पे बैठे बैठे फ्रिज साफ करना शुरू कर दिया। भाई ऐसी खाना खाना तू फ्रिज साफ करने लग गई, मैं कौन सा खुद बना रहा हूँ? मैं तो बस ऑयल डाल के अंदर प्याज डाला, मुझे तो ये भी नहीं पता कि ऑयल मैंने ज्यादा डाला हुआ। ये काम डाल पता है मुझे पहले आलू डलते हैं, क्योंकि आलू को गलने में टाइम लगता है, शिमला मिर्च को कम टाइम लगता है। एड्डा भी मैं कोई नहीं बे बताऊं वगैरह आ गया, इतनी को मुझे भी समझ है कि शिमला मिर्च से पहले हमने आलू डालने हैं। अब्दुल्ला की ना बड़ी मुश्किल से हमने कुछ हद तक जो है ना आदत ठीक की है, ऐसे ही है ठीक है फिर तो चल जाएंगे। अभी हम लोग ने फिर वहां चले जाना है, वहां जाके फिर इस तरह ही हो जाना है, लेकिन हम कहते हैं कि घर में आके जो है ना इसकी आदत ठीक होनी चाहिए। फाइनली जी हमारा सालन जो है बिल्कुल रेडी हो गया, बस चपाती रह गई है बनने वाली। और ये देखे वाह जी वाह, क्या बात है, क्या जबरदस्त खुशबू आ रही है। चपाती नहीं खाली मिली, साथ सालन भी खाना है। चपाती ये नहीं, ये चपाती खाने का बजट सालन भी खाना। अक्सा अभी इस रूम में आ गई कटिंग वगैरह करने के लिए, लेकिन टाइम आपको नहीं मिलता, इसी तरह ही है ना। अलीपुर में अक्सा को यही फायदा होता है, कोई काम शाम नहीं होता, आराम स्कूल से कटिंग वगैरह स्टिचिंग वगैरह हो जाती है। वो कपड़े इसलिए स्टिच हो गए। हाँ ये भाई साहब पहले लेटे रहे, अब हमने सोचा कि इसको भी इधर लेके आते हैं, बात करनी है ब्लॉग में, बात करनी है, बात करना चाह रहे हो कैमरा नहीं ऑन होता था ऐसे, उसके अंदर कैरी कॉर्ड में लटा दे इसको यहाँ पे। फाइनली जी एक्सान ड्रेस की जो कटिंग है वो शुरू कर ली है, क्या सीन है, स्टिचिंग वगैरह इसकी करनी है? पहले आपने मोती लगाने हैं इसके ऊपर? नहीं मोती पहले नहीं लगाऊंगी, मोती तो बाद में लगाऊंगी स्टिच करके। थोड़ा सा मैं बता देना प्लान क्या है, मतलब मुझे भी पता लग गया, मुझे भी जस्तु जो हो रही है उसके बाद मोती लगाऊंगी, ताकि जो मोती है ना वो अटकेगा नहीं। गला बाजू वगैरह बनाना है इसका, गला बाजू और साइडों में चिपकने के साथ लगाएंगी स्टिच, तो वो सामने अक्सा ने कोई कपड़ा निकाल के रखा हुआ, कह रही मेरी एक फ्रॉक है उसका मैंने कपड़ा वगैरह चेंज करना है। और वो भी आज हम लोग आयशा की बर्थडे वाला व्लॉग देख रहे हैं, जो आयशा की सेकंड वाली बर्थडे थी ना वो वाला व्लॉग देख रहे थे, उसमें अक्सा ने फ्रॉक पहना था, तो वहां से इसके माइंड में मेरे ख्याल से आइडिया आया कि वो वाले फ्रॉक के ऊपर चेंज करती है उसकी सेटिंग। लेस वगैरह लगा रखी है तो वो लगानी है उसको। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप छोटे बच्चे, कैसे हैं? बहुत बातें करने का दिल कर रहा है, बातें करने का दिल कर रहा है बहुत ज्यादा। हाँ जी कोई कटिंग वगैरह आपकी नजदीक पहुंची है कि नहीं पहुंची अभी तक? मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे आप इधर आके कपड़े काट रही काम में कपड़ों के साथ की लड़ाई ज्यादा चल रही, कुछ इस तरह का सीन चल रहा है। मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं हो रहा, मैं जो देख रहा हूँ अक्सर इसको जहाँ से काटती है गोल होना शुरू हो जाता है, गोल हो रहा है, ये देखिए गोल हो रहा है, ये क्या चक्कर है? मैं सोच रही हूँ मैं इसको कटिंग तो
कर लूंगी जब हाँ। तो पहनूंगी ही ना, वो गोल गोल होता फिरे वो तो मुझे भी ऐसी नजर आ रहा है, वो ऊपर से भी काटा है वहां से भी गोल होने लग पड़ा। आप क्या करेंगी फिर? पता नहीं, इस्त्री करने से भी नहीं काम चलना। सिलाई करती हूँ जो बना फिर देखेंगे। ये अक्सर ने अपने पास ग्लू रखी है, मैंने कहा आप लोगों को मैं दिखाता हूँ मोती लगा के एक्सपेरिमेंट करके देख रही है। देखने लगी हूँ कितने टाइम बाद खुश्क होता है, और अगर मैं लगाऊं तो नहीं, ये जब खुश्क होगा ना तो ये उतरेगा नहीं, क्योंकि वैसे भी वो सूटों पे यही लगाते हैं। ये मैं ग्लू कपड़ों में लेके आई थी ना। अच्छा अच्छा, सही सही सही, चिपका के रखी उसको आप तो ना हाथ लगाए। हाँ तो आप उसको हाथ ना लगाए, बस आपने उसको चिपका दिया, बिल्कुल थोड़ी सी लगा के उसके साथ चिपका दिया तो ठीक था, उसने खुश्क हो जाना था। हाँ अक्सा का ना कुछ ये वाला प्लान बन रहा है जो भी अक्सा कर रही है। अगर तो अक्सा के पास ये रेड वाले नग काफी ज्यादा हुए तो बहुत खूबसूरत लगेंगे, और बाकी अभी उसको जरा खुश्क होने पे लगाया हुआ, जरा चेक कर लेना ये ना, इतनी मेहनत कर ले और बाद में चिपके ना, गोल्डन या फिर व्हाइट वाले चेंज भी हो सकता है, मतलब ये फाइनल नहीं है। नहीं है क्योंकि इतने ज्यादा पड़े हैं ना, अभी देख दी कौन से लगाने, तो मैं रेड वैसे रख के देख रही। हाँ जी, आपकी नीनी पूरी हो गई है? नीनी पूरी करके उठ गई हो? किसके साथ सोई थी? मेरे साथ कब सोई हो? हम तो अंदर कटिंग वगैरह कर रहे हैं, आप तो कब की खुद ही सोई पड़ी है, बालू के साथ तो नहीं सोई हुई थी? बेगम तलबा तुम चाय था, तुम चाय पीने का दिल कर रहा है, बहुत तलब हो रही है चाय पीने की। अच्छा, बना दे चाय। सर ने सही बात है, मुझे ऐसी आदत डाल दी ना चाय पीने की कि अब रात को मेरा भी दिल करने लग पड़ता है खाने के बाद, जो है ना चाय होनी चाहिए। आज बल्कि थोड़ी सी लेट होगी क्योंकि अक्सा कटिंग वगैरह करने चली गई थी, अब मैं तो पीऊंगा भाई। उसने खपा दिया मुझे, हाफ मग से ज्यादा पीऊंगा मैं। हाँ मेरा चाय पीने का ज्यादा दिल कर रहा है। पानी की कम डाला आपने और डाल दें। क्या कह रही हो? इसका नूडल्स खाने का दिल करने लग, वो वीडियो चल रही ना वहाँ पे नूडल्स आ रहे हैं, तो साथ ही जो माइंड में आ गया है ना वो ही कह दिया मैं नूडल्स खाना है। एक पैक बड़ा इसको दे, चाय बना लेते हैं उसके बाद फिर इसको। आज पता नहीं हमारा पानी आना क्यों कम हो गया, वॉल वगैरह तो मैंने पूरा ही खोला जिस दिन हम लोग आए थे ना वापस। हाँ तो क्यों इतने ठंडे हाथों पानी डाल रही है? हाँ पानी अक्सर बर्तन वगैरह वॉश करने लगे, लेकिन पानी जब स्लो आ रहा होता है ना उस टाइम पानी ठंडा हो रहा था, जब स्पीड में आ रहा होता है वैसे स्पीड में आता है, ये आज ही पता नहीं क्या हुआ है कि स्लो हो गया पानी, बहुत ठंडा होगा ना डायरेक्ट जब पीछे से आता तो वो गर्म होता है। मामा आपकी चाय नहीं लेके आई आज? ओ, मेरे बच्चे की चाय ही नहीं आई, जा रही कप लेने के लिए। नहीं मैंने कहा आज मामा इसमें से देगी आपको, या मैं तो इसको ऐवी कह के सही बात है फंस जाता हूँ। आज मामा इसमें से देती है, आज इधर जल्दी करो। आज तो सही बात है बहुत दिल कर रहा था चाय पीने का, दिल कर रहा है अक्सा का कप भी पी जाए। ये ब्रीरा वैसे क्यों नहीं पीती चाय? पता नहीं कहते सुबह ही बस पीनी है, एक टाइम पीती है। तो किसी बंदे का प्लान है मरी देखने का तो जल्दी जल्दी से आ जाए, क्योंकि मैं आप लोगों को बाहर मरी दिखाने लगा। इनको मैं पूछ रहा हूँ अगर आना है तो आना है, किसी ने ठंड लग, ये जूता पड़ा हुआ मेरा आना है तो भाई मैं तो कब बाहर जाके सीन जरा चेक करती हूँ। जूता तो अपना अंदर ही उतारना पड़ेगा बेटा, सॉरी आपको ऐसे ही खड़े होना पड़ेगा, ये वाला जूता पहन के नीचे उतरेगा तो पुत उतर के देखना था। सारा गीला हुआ बड़ा, ये देखे आप लोग मैं चुने का चेक करवाता हूँ, ये देखे सारा कुछ बिल्कुल गीला। अब तो फॉग फॉग है, ये फॉग है। हाँ ये फॉग, सही बात है, मुझे खुद बड़ी मजे की खुशबू आ रही है। और ये सामने दरख्त है वो भी बिल्कुल गीला हुआ पड़ा, सब कुछ गीला हुआ पड़ा है। आवाज इस तरह की आ रही है जैसे बारिश हो रही है, लेकिन हाँ हाँ वो पानी नीचे गिर रहा है इसी तरह ही, और ये गाड़ी नीचे खड़ी है। ये कपड़े का फायदा होता है, देख लें कि गाड़ी के ऊपर कपड़ा है ना, गाड़ी गंदी भी नहीं होती है, बाढ़ में गीली भी नहीं होती। हाँ गाड़ी के ऊपर भी गिरे और वैसे फर्श पे भी गिर रहे हैं, बहुत ठंड है भाई, अंदर ही चलते हैं बहुत ठंड। सब मेरी बात सुने, किधर गई है? आए जरा एक एक कप चाय बनाए, क्यों भला इधर बाहर बैठ के पीते हैं, मजा आएगा, सही मजा आएगा, बाहर बैठ के चाय का कप पीते हैं। अब्दुल्ला की ये कौन फेंक के गया पिल्लो? क्यों चलो अंदर लेके जाओ, फेंक क्यों रही हो, जिधर लेके जाने जल्दी जल्दी लेके जाओ, पहुंचो 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 लेके। और इस भाई साहब को पता चला कि हम लोग बाहर का जरा टूर करने के लिए गए, इसने कहा मुझे क्यों छोड़ दिया सारों ने, है यही मसला बना है। मेरा बच्चा रो रहा है, क्यों रो रहा है पाला छा बच्चा, है क्यों रो रहा है, हंसना ये रोना करना क्या, एक चीज बताओ। अक्सर ये सारा पिल्लो खराब कर रही है आपका, उसने पिल्लो को खेलने वाली चीज बना लिया। इधर दो मुझे, उधर नहीं लेके जाना, इधर लेके जाना है मैंने। और हमारा जो पानी गुम हुआ था पानी हमारा वापस आ गया है, ऐसे ही अब धोएंगी पहले बर्तन धोने लगे। चलें अक्सर तो यहाँ पे बर्तन वगैरह वॉश करने लगी है, बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अक्सर को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें दीजिए फिर इजाजत, अल्लाह हाफिज़।